नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। रेवोल्यूट की तरफ से 2022 और 2023 बैच के लिए बहुत शानदार हायरिंग आई है बच्चों। वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी, घर बैठे बैठे आपको काम करना है और सैलरी पैकेज आपको 4.8 लाख से 5.1 लाख तक का सैलरी पैकेज आपको यहां मिलने वाला है। और उससे भी अच्छी बात, कोई 60% क्राइटेरिया नहीं है। 10th 12th ग्रेजुएशन में अगर 60% से कम हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और कोई भी आईटी स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास जीरो आईटी स्किल्स है या मिनिमम आईटी स्किल्स है तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करते हैं। देखिए, रेवोल्यूट जो है वो एक मनी मैनेजमेंट कंपनी है। आप रेवोल्यूट को अपने पैसे दीजिए, वो आपको बताएंगे कि भाई कहां पर किस तरीके से मनी को बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, मनी को ग्रो किया जा सकता है। तो मनी मैनेजमेंट ऐप है उनका, ऐप वेबसाइट सब कुछ है। तो भाई यहाँ पर आपका काम होगा सपोर्ट स्पेशलिस्ट का, केवाईसी एटीओ सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू द क्लाइंट विल बी इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश यहाँ पर अच्छे से आनी चाहिए भाई। बेसिकली एक नॉन टेक प्लस टेक हाइब्रिड जॉब, एकदम फुल्ली टेक्निकल जॉब नहीं है, टेक प्लस नॉन टेक का मिक्सचर है, तो आपको मजा आने वाला है। देखिए भाई, रिसेशन के टाइम पर अभी आपके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं, ऐसे घर में खाली बैठना आपके लिए आगे मुश्किल पैदा कर सकता है। तो बेटर है जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिलहाल ग्रैब करेंगे, आगे जाकर के फिर जैसे हमको एक बेटर आईटी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम स्विच कर लेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर इस अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस बात को समझते हैं। बैचलर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए, कोई भी बैचलर इक्विवेलेंट डिग्री आपने की होनी चाहिए, जैसे कि बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने की हो तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। उसके अलावा अगर आपका 2022 और 23 बैच है, 2022 और 23 बैच के लिए 4 दिसंबर को पिछली साल रेवोल्यूट ने हायरिंग निकाली थी, एक बार फिर से दोबारा से हायरिंग निकाल रहे हो। उस हायरिंग में भी हमारे बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड हुए थे, तो मेक श्योर इस हायरिंग को भी बिल्कुल सीरियसली लेना है। सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, सारे के सारे कॉलेजेस एलिजिबल है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, कोई बैकलॉग क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी ईयर गैप क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपकी बैक भी लगी हो तो भी चलेगा, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में या ड्यूरिंग अभी तक आपने कोई ईयर गैप किया हो पढ़ाई में तो भी आप एलिजिबल होने वाले हो। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो मेक श्योर यार आप हमारा कोर्स है, मेरा प्लेसमेंट होगा, उससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है फॉर ऑल द आईटी कंपनीज, ठीक है। चलिए, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है भाई, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, है ना, एनालिटिकल स्किल्स यानी आपके एप्टीट्यूड वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेल्फ लर्निंग पर्सन होना चाहिए आप, गुड राइटिंग स्किल होना चाहिए और बेसिक आईटी स्किल्स जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए भाई, तो देखिए आपका यहाँ पर इन ऐप लाइव चैट है, रेवोल्यूट का अपना खुद का ऐप है, तो हर एक ऐप में ना सपोर्ट टीम होती है जहां पर आप कस्टमर चैट करता है, तो आपको यहाँ पर कस्टमर्स को हेल्प करना पड़ेगा कि कैसे वो केवाईसी कर सकते हैं अपनी और कैसे वो इस ऐप में साइन अप कर सकते हैं और आगे की प्रोसीजर्स कर सकते हैं, उनको ऑनबोर्ड करने में बेसिकली हेल्प करना पड़ेगा, लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और उसमें जो भी डेटा है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। और जो रेवोल्यूट ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है जहां पर कस्टमर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होगे, आप कस्टमर क्वेरीज रिजॉल्व कर रहे होगे। और रेवोल्यूट के अलग अलग जगह ऑफिस है, लंदन, मस्काओ, पोर्टो और लिथुनिया, अलग अलग जगह कस्टमर इश्यूज आ रहे होंगे, आप इनको रिजॉल्व कर रहे होंगे, टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम आपकी जॉब रहने वाली है। और उसके अलावा देखिए, आप घर पे हो, खर्चा कुछ भी नहीं होना, बैठे बैठे 4.8 टू 5.1 लाख पैकेज मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर देना भाई। हायरिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका रिज्यूमे चेक किया जाएगा, अगर आपके रिज्यूमे में दम दिखती है कंपनी को तो फिर आपका एग्जाम या तो फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। तो रिज्यूम वेरीफाई होने के बाद एग्जाम होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, इसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है, ना ही एग्जाम और इंटरव्यू डेट मेंशन है, ना ही एग्जाम पैटर्न मेंशन है, लेकिन अपन जल्द से जल्द अप्लाई करेंगे, अच्छा रेज्यूमे बनाएंगे अपना, है ना, ताकि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल बैठते हो तो बढ़िया, अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो मैंने ना जॉब नोटिफिकेशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, बहुत सारी कंपनीज आपके बैच के लिए हायर कर रही है, अप्लाई कर देना। एलिजिबल हो तो भी एक बार देख लेना, और भी कंपनीज में अप्लाई करो उतना अच्छा है भाई। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ये रेवोल्यूट का पेज इस तरह से खुल जाएगा, आप जो भी डिटेल्स मैंने बताई है कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपकी जॉब रोल के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप क्या क्या कर रहे होंगे, क्या क्या नीड्स है, ये सब कुछ आप एक बार पढ़ सकते हैं, रेवोल्यूट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको इस पेज में आना है, अप्लाई फॉर दिस रोल पर आपने क्लिक कर देना है भाई। आपसे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम पूछ रहा है तो अपन भाई नाम अपना एंटर कर देंगे, ठीक है।
उसके अलावा वेरी गुड यश जैन, अपन ने नाम एंटर कर दिया। ईमेल एड्रेस पूछ रहा है भाई, तो अपन ने ईमेल एड्रेस यहां पर एंटर कर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो जो भी इंफॉर्मेशन है आप साथ साथ में देखते जाइए, एक बार पहले पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद दोबारा से वीडियो को देखिएगा और फिर साथ में रजिस्टर करिएगा, ठीक है। कंट्री कोड अपना इंडिया का होता है, आप इंडिया भी डालोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा, वेरी गुड। प्लस 91 होता है, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, वेरी गुड, मैंने फोन नंबर डाल दिया। करंट कंट्री आपकी क्या है भाई, उसमें आप सर्च करेंगे, इंडिया टाइप करेंगे, इंडिया आ जाएगा। करंट कंपनी, आप अगर आप किसी कंपनी में करंटली काम कर रहे हो तो वो मेंशन कर दीजिएगा। आपकी क्या क्या वर्क लोकेशन प्रेफर्ड होनी चाहिए, तो एक ही भाई, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो इंडिया रिमोट पर आपको सिलेक्ट कर देना है भाई। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रेज्यूमे अटैच करना है, तो क्लिक टू अटैच पर क्लिक करेंगे और हम अपने यहाँ पर रेज्यूमे जो है वो अटैच कर देंगे भाई। उसके बाद आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी अपनी अटैच कर सकते हो, ये ऑप्शनल है लेकिन कर दीजिए, अच्छा है। अगर आपने गिटहब वगैरह पे कुछ काम किया, कोई पोर्टफोलियो, कोई आपकी वेबसाइट हो, या आप गूगल ड्राइव लिंक बना सकते हैं जिसमें आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स, प्रोजेक्ट्स एंड अपने वर्क्स को डाल सकते हैं, उसकी लिंक भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल है, फिलहाल मैं स्किप करो, लेकिन आप लोग जरूर से डालिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे जेंडर पूछा, ये भी ऑप्शनल है, बाकी भर दीजिए, अच्छी बात है भाई। एथनिसिटी में आप एशियन भरिएगा, है ना, बाकी आप इसको भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, अच्छा। क्या आपको वीजा की जरूरत है भाई, इंडिया में काम करना है तो वीजा की भी जरूरत नहीं है, वर्क परमिट की भी जरूरत नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देना। क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट है, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, इंग्लिश में फ्लुएंट है या एडवांस है या इंटरमीडिएट है या बेसिक है, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है तो मैं एडवांस भरूंगा, आप फ्लुएंट है तो फ्लुएंट भरिए, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट भरिए, बेसिक है तो बेसिक। अच्छा, क्या आप 4.8 to 5.1 लाख के पैकेज पर सेटिस्फाइड है, आप काम करेंगे भाई, यस भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंपनी आगे मेल ही नहीं भेजेगी, ठीक है। नोटिस पीरियड, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अभी जॉब नहीं छोड़ी, आप नोटिस पीरियड पे तो मेंशन करिए, अगर आप नहीं हो नोटिस पीरियड पे तो आप टाइप कर दीजिए आई एम अ फ्रेशर, ठीक है, मैं कौन हूं भाई, फ्रेशर हूं भाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या शिफ्ट्स में काम करोगे, नाइट एंड वीकेंड शिफ्ट्स में अगर काम करने को बोला जाए तो उसमें भी यस आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेवोलट के बारे में कैसे पता चला, क्या हम कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्या कस्टमर सर्विस है, केवाईसी में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है पहले, नहीं भाई, आई एम नॉट अ रोबोट पर अपन क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है भाई, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट अ सेकंड, कई बार कुछ इश्यू हो सकता है एप्लीकेशन सबमिट होने में, लेकिन घबराइएगा मत, दोबारा से आप अप्लाई लिंक पे जाइएगा और एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, डिटेल्स आपकी कंपनी के पास तक पहुंच जाएंगी। बहुत सारे बच्चे साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं, तो आप रात के टाइम पे 2-3 बजे करीब ट्राई कीजिएगा जब ट्रैफिक कम होता है। देखिए भाई, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, एक ईमेल आएगा, कंफर्मेशन ईमेल, कई बार 15 से 20 मिनट बाद भी ईमेल आते हैं तो घबराइएगा मत, एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा, आपको स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी उस ईमेल की, इस तरह से आपको एक ईमेल रिसीव होगा, तो उसको देख लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा भाई। प्रिपरेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा कोर्स चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे जाएंगे, मेरा प्लेसमेंट होगा टाइप करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। हर एक आईटी कंपनी के लिए बेस्ट कोर्स है, 50 आवर्स के, इसमें रैपिड फायर क्रैश कोर्स हमने इंक्लूड कर रखा है, 50 घंटे में जल्दी से आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर चाहें तो। अलग अलग मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो उसको 1 मंथ के लिए भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तरीके से, तो कंप्लीट एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, सब कुछ कवर्ड है। इंटरव्यू एंड रेज्यूम प्रिपरेशन में खुद आपका रेज्यूम बनवाऊंगा, खुद आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा, तो आप जो रेज्यूम अपलोड कर रहे हो उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो अगर आप कोर्स का पार्ट हो तो आप मुझसे रेज्यूम वेरीफाई कर सकते हो, उसके बाद अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इसमें TCS का कोर्स, विप्रो, कैपजेमिनी, इंफोसिस, हर एक कंपनी का इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप जरूर से उसको चेकआउट करें। नीचे आपको रिव्यू लिंक भी मिलेगी, आप बच्चों के एक बार फीडबैक जरूर चेकआउट कीजिएगा, जितने भी हमारे प्लेस्ड बच्चे हैं उन सबके फीडबैक्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप सेटिस्फाइड होते तो कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर एंड्रॉइड डेवलपर का भी जॉब रोल आया रेवोलुट का, तो अगली वीडियो में मैं उसको कवर करने वाला हूँ, तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवान आप सभी को खुश रखे, बढ़िया से कमेंट छोड़ दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।